गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। ओ माय गॉड, हमारे भाई का नाम सफा है। गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एकदम ब्रांड न्यू ब्लॉग में। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है बट मैं इतना ज्यादा खुश हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। तो दिल्ली में नोएडा में मतलब बेसिकली तुम्हारे भाई का होर्डिंग लगा है, तुम समझ रहे हो, मतलब ऐसे बड़ा सा होर्डिंग लिखा है, उसमें गेमर फ्लीट ये सब लिखा हुआ है। तो वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग आज निकल रहे, मैं लाइक लेट हो चुका ऑलरेडी, लाइक लेट नहीं हुआ बट सब लोग वहां पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में। मैं भी निकलता हूँ फटाफट से, जाके सब लोगों से एयरपोर्ट में मिल लेंगे। और पहले मैं तुम लोग को ये रूम दिखाता हूँ भाई, इतना खूबसूरत रूम है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों ने हमें अपग्रेड दे दिया, हमने नॉर्मल वाला रूम लगा रखा था बट हम लोग बहुत लेट नाइट आए थे, फिर उनके पास वाला रूम नहीं था तो उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। भाई मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी कल को, तो मैं सीधे सो गया बट इतना खूबसूरत रूम है ना, तुम देखो तो मैं दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ से तुम एंट्री लेते हो, ये सबसे पहले ऐसी वॉशरूम, मतलब ऐसा बाहर बाहर से जैसे वॉशरूम जा सकते हो। फिर ये पूरा देख रहे हो, ये रूम है, लाइक यहाँ पर तुम चिल कर सकते हो, अपना टीवी देख सकते हो, सब कुछ है ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर बेडरूम मिल जाएगा पूरा का पूरा, लाइक सामान वामान रखने का ये सारी चीज़ें, ये सब हो गया। फिर यहाँ से तुम अंदर जाओगे तो तुम लोगों को यहाँ पर एकदम मस्त सा ये बाथरूम मिल जाएगा। फिर यहाँ से अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर जकूजी मिल जाएगा। भाई भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भाई कुछ ज़्यादा खतरनाक ही अपग्रेड दे दिया हमने, हमें यहाँ से जकूजी मिल जाएगा और यहाँ से तुम लोगों को वॉशरूम मिल जाएगा, लाइक टॉयलेट है अंदर। भाई सही मेरे, हम लोगों ने एकदम नॉर्मल रूम का पे किया था बट हमारी किस्मत थोड़ी सी ना कभी कभी तो चलती है। बट सैड लाइफ ये कि मैं कल रात को आया था, अभी मैं उठ गया हूँ और सीधे निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो हम लोग इसका कुछ यूज़ नहीं कर पाए। भाई जकूजी में बैठते यार, भाई मेंढक बनता मैं थोड़ी देर, जकूजी में मजा आता बट ठीक है कोई बात नहीं यार, सारे वहाँ वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। हम लोगों की 3:30 बजे की फ्लाइट है और 1:30 ऑलरेडी हो चुका है, वैसे भी 12 मिनट ही दूर है लाइक एयरपोर्ट, और मेरे ख्याल से कैब वैब से तो 5 मिनट रहेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, हम मिलते हैं तुम लोगों से एयरपोर्ट में। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली दिल्ली, यार क्या बताओ यार, आपको लॉस एंजेलिस में को लाइन तो बता रहा हूं, साथ अमेरिका आएंगे है ना भाई साहब। भाई कुछ कुछ सामान नहीं होती, देखो इंडिया की कितनी, मतलब इंडिया नहीं भाई, अरे नहीं मतलब इंडिया, अरे यार वो इंडिया का कल्चर दिखा रखा ना एलए में भी, मैं ये बता रहा हूं यार, मैं बता रहा हूँ यार, इंडिया की बात है यार हर जगह पे। शादी में मैंने एक फायर करी थी ना पूरी, दो मैगजीन क्रॉप कर देना। हाँ यार वो तो खाली जेल पकड़ के देखे, फिर वही वाली बात होंगे, ओ कहता वो उज्जवल उत्ते कैसे जड़े संजय दत्त से। भाई ये क्या है, ये MRF के टायर भी बिक रहे हैं एलए में? हाँ यहाँ पर लोग ड्रिफ्ट मारते हैं ना। अच्छा ज़्यादा यहीं पे रहते, तुम नए आए हो? हाँ नहीं नहीं यार मैं तो पहली बार आ रहा हूँ एलए, जरा यार लोग बड़े इंडियन ही इंडियन, यहाँ पे बैठ नंबर 5 पे। चलो चलो इतने जत्तो जहन के बाद, और इतने तुम समझ रहे हो, मतलब मैंने कितना ज्यादा मिस करा है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ अपनी हैरियर को। यही होता है जब लोग घर आके उनकी ही बुराइयां करो। अरे नहीं यार करण भाई, भाई बढ़िया ध्यान है, मैंने 4 दिन उनको घुमाया, बहुत मजा आया, और पेट्रोल खाली हो गया तो देखियो कई बात नहीं, इसमें तो डीजल डलता है। मैंने पेट्रोल बढ़ा दिया, हो सकता है चालू ना। मजाक कर रहे हो? नहीं भाई यार मैंने चलाई भी नहीं भाई, मैंने आज सुबह स्टार्ट करी थी ताकि तेरा इंजन ठंडा ना हो, ठंडा हो गया। थैंक यू यार, अच्छा न्यू भाई। देखो भाई मैं अपनी गाड़ी की इतनी केयर नहीं रखता जितनी करण भाई ने रख रखी है, यहाँ पे खराब होती तो गालियां मुझे पड़ती। करण भाई थैंक यू यार, एकदम सेफ रही, वरना कहीं और होती तो पता नहीं मैं क्या करता है। क्या मजा तब आता जब यहाँ पे सेफ में रहती। यार ये क्या बात है, अगर यहाँ सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी भाई, ये बता दो मुझे बस। लाइए करण भाई, आपकी अमानत, धन्यवाद, खुश। ओ माय गॉड गाइस, सो वी डिड अ ट्रेड गाइस, आप रखिए चलाइए, बढ़िया गाड़ी है, डीजल डलता है, माइलेज भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। कोई नहीं भेज दो गाइस, चलो गाइस इट्स टाइम, चलाओगे।
तो गाइस इतने दिन बाद अपनी हैरियर में बैठ के इतना ज्यादा सुकून मिला ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। कैब है वो मजा आता है कि तुम पीछे बैठे हुए हो, आराम से चलाना नहीं है, ब्रेक व्रेक गाड़ी भगाने का कोई टेंशन नहीं है, बट अपनी गाड़ी में जब बैठो ना तो वो जो एक दिल को सुकून मिलता है ना वो अलग चीज़ है भाई। और अपनी हैरियर तो है ही प्यारी भाई, तो ये तो अलग ही चीज़ है। अब चलो हम लोग जा रहे हैं सीपी, क्योंकि मेरे को कुछ लेना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई बोर्डिंग लगे हुए तुम्हारे भाई के, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे भाई के गेमर फ्लीट भाई के बोर्डिंग लगे हुए, देखो तुम लोगों को दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग सीपी पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ना देखो तुम्हें पता है मेरे को पोकेमॉन कितना ज्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ी बहुत पोकेमॉन कार्ड्स भी जमा करता हूं, तो इसलिए हम लोग यहां पे थे, क्योंकि ना बाहर से मंगाने में भी ड्यूटी पड़ती है, वो सब पड़ती है, मैंने मंगा रखे, बट तुम लोगों को भी बताऊंगा उसमें कस्टम वस्टम क्या पड़ते हैं। तो अभी वी आर गोइंग टू मीट समवन, मतलब वो उनका एक स्टोर है पोकेमॉन कार्ड्स का ही, तो हम उनसे मिलेंगे, उनसे खरीदते हैं आराम से, क्योंकि वो इंडिया के ही है ना, तो फिर उनके पास पड़ा हुआ है तो वो सब चीज़ें। आई थिंक आई सी हिम ब्रो, क्योंकि बक्सा सा आ रहा है कुछ तो। ब्रो थैंक यू सो मच यार, भाई इनसे इनसे ले रहा हूँ मैं सारे के सारे कार्ड वार्ड सब कुछ। ओके भाई, लग रहा है कैमरे के आगे ज्यादा है नहीं, नर्वस हो रहे। इनसे लेते हैं मस्त करके, मतलब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा आगे जाके फ्यूचर में, हम लोग कार्ड ओपनिंग वो सारी चीजें करेंगे, तो वो सब तुम लोग देखोगे। अभी के लिए ये डब्बे के अंदर आया हुआ है सारा का सारा हमारा सामान, थोड़ा सा ये क्या, ये क्या था, पांडा ना, पांडा कार्ड, शीश पांडा कार्ड। गाइस चेक करते हैं कहीं भाई कम सामान तो नहीं लेके आए ना, पता चला। तो लेट मी चेक, 10 सारे के सारे लॉस्ट ओरिजिन है। ओके ये तो कंप्लीट है, उसके बाद वी हैव अ बाइंडर हियर, सारा का सारा सामान है गाइस। अभी देखो बहुत जल्दी, जितने भी पोके फैंस है ना, जितने भी लोगों को पोकेमॉन बहुत ज्यादा पसंद है, उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला, हम लोग बहुत सारी पोकेमॉन कार्ड ओपनिंग करने वाले। तो गाइस बस 2 मिनट और है, जहां पर हम लोगों का बोर्ड लग रखा है ना वहां पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है ना, क्योंकि आज तक का ऐसा समझ रहे हो, मतलब देखो एक होता तरीका कि हम लोग बोर्ड लगा सकते हैं, वो कोई भी लगा सकता है भाई, लेकिन जब ऐसा कोई गेम जो तुम खेलते हो, तो जब ऐसी कोई बड़ी ब्रांड तुम्हारा लगाती है ना भाई, तब होती है बात, तब थोड़ा ऐसे समझो थोड़ा सा चौड़ वाली चीज होती है यार कि हाँ, मतलब भाई मैंने वैलोरेंट बहुत खेला, असेंडेंट 3 रैंक तक गया था मैं, इमॉर्टल नहीं पहुंच पाया, मतलब बहुत ऊंची रैंक होती है उसमें भी, मैं रात दिन करता था। और भाई अभी देख रहे हो तुम लोग, भाई साहब तुम्हारे भाई का बिलबोर्ड लगा है वैलोरेंट के साथ, भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, देखते कैसा लगा है, आई होप दिखने का भी अच्छा हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खाली लगा लगा वाला, थोड़ा अच्छा भी होगा तो मजा भी आएगा नहीं। तो गाइस तैयार हो, ये रही हमारी हैरियर और ये रहा तुम्हारे भाई का बोर्ड। हे गेमर प्लीट, लेट्स सेल टुगेदर टू विक्ट्री। भाई साहब मजा आ गया ना, समझ रहे हो, गेमर प्लीट सेल तैरते, मतलब वो शिफ्ट, ठीक है थोड़ा शिफ्ट कर दिया, बट कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हो तुम्हारे भाई का गेमर प्लीट, लेट्स गो, तुम्हारे भाई का नाम छपा है, वो भी इतने बड़े गेम के साथ जो भाई ग्लोबली खेला जाता है, तुम समझ रहे हो, इतना ज्यादा पॉपुलर गेम है जिसके इतने खतरनाक खतरनाक प्रो प्लेयर है, लेकिन तुम्हारे भाई की होल्डिंग लगी है भाई। और बताओ, तो तुम में से अगर कोई भी ये बोर्ड देखता है ना भाई, उसके साथ फोटो खिंचाई या फिर खाली बोर्ड की फोटो खींच के मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है, अगर तुम लोग ये ढूंढ पाते हो, मतलब ये है बोटैनिकल गार्डन में, लाइक जो बस स्टेशन है ना उसके पास पे ही है, मतलब ऐसे अंडर पास से निकल रहा है, तो अगर तुम्हें दिखता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना, ठीक है। चांद आया चांद नजर, यार ये सामान भी लेके जाना पड़ेगा मुझे, यार ये सामान भी लेके जाना पड़ेगा यार मेरे घर तक, छी यार, वैसे ये गाड़ी में बहुत यार कूड़ा रख रखा है मैंने 2-3 दिन से, चलो यार। भाई मैं सोच रहा था अकेले जाना पड़ेगा, तेरे को भी मेरी खांसी, छी यार दोनों खांसी हो गई, हम दोनों बीमार घर को चल दिए, हम दोनों फैलाएंगे बीमार, तू यार तू चुप रह यार, भाई यार क्या बोलती है।
जी गाइस चलो अब मस्त करके दीदी और मैं निकलते हैं सीधे हल्द्वानी के लिए, वहीं जाके ढिंचाक भाई इतनी वीडियोस बनानी है, इतना काम पेंडिंग पड़ा है ना भाई, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को, फटाफट चलो सीधे मिलते हैं तुम लोगों से अब घर पे। गाड़ी दीदी के हाथों में सौंप दी है, अब मैडम चलाएंगी गाड़ी। चलो भाई हो जाए दीदी, हम तो चल दिए भगवान भरोसे। अरे मेरा गंदा डॉगी आया है, बोल दिया तो चिड़िया, देखो गंदा डॉगी बोल दिया। ओहो ये क्या लेके आई, ये शिवांगी, वाओ मेडल्स पे मेडल्स, वाओ यार किस चीज पे मिले। अबे यार अभी ले गया था पंपी, बच्चे बोलते ना हमारे ट्यूशन वो, अबे हमारा होमवर्क खा गए कुत्ते, अभी शिवांगी के सारे प्राइस खा जाते। क्या है ये मेरे को एक ड्राइंग का मिला है, ये ड्राइंग की ट्रॉफी है। वाओ और क्या कहते हैं, एक डांस का है, ग्रुप डांस का, हाँ उसमें मुझे मिला है, और एक है ग्रुप सिंगिंग का। वाओ बात तो है यार, और जग्गू को भी मिला है मेरे को तो याद है। अरे भाई इनको क्या हो गया, ओए पंपी वो वहां, वो देखो चाचा की दुकान पे, मम्मी जी ओ मेरी मम्मी जी, वहीं पे आ गया। हां क्या बना रहे हो आज फिर कुछ स्पेशल? आलू गोभी। यार तुम यार हमें आलू गोभी खिलाओ तुम यार। चाची जी पहला कैसा है सब कुछ? मेरे बिना याद नहीं आ रही आपको यहाँ मेरी? यार एक तो आपको याद नहीं आ रही, वो जो घर में पूरे दिन अंदर बैठे रहता है उसकी। और अब हमारे कमरे की बारी भाई, इसको इतना मिस किया मैंने, पता किसको? मेरे बच्चे को भाई। यार भाई का पासपोर्ट आ गया भाई, देखो गाइस घूमने का टाइम होने वाला है, और ये अपना सारा सामान है भाई, इसमें ना बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ तुम समझो ना, पोकेमॉन ये भी मस्त है, और ये भी इंडस करके एक गेम है, उन्होंने हमें कुछ दिए थे मर्च वर्च वो भी देखेंगे, और ये तो रेड बुल की वो भी लेके आ गया मैं, देखो लास्ट टाइम हम लोग रेड बुल में गए थे मैंने ये रख रखा है, ठीक अच्छा लगता है ना सोर्स। क्या हुआ? थैंक यू दीदी। दीदी का अगर किसी ने भी कॉमिक कॉन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना बहुत मजेदार है। ये सबको चूना लगा के आ गई वहां सबको चूना लगा के आ गई, क्या लगाया वो देखना तुम लोग व्लॉग में। मेरे दो प्यारे प्यारे भैया जैसे छोटा भैया।